अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओटीजी केबल के बारे में। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ओटीजी केबल। ये ऐसी केबल है जिसके अंदर जो है ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जो आम ऐसे लोग जो हैं नहीं जानते। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों, तकरीबन कोई है चार या पाँच बातों के बारे में हम बात करेंगे जिसके अंदर जो है ओटीजी केबल की मदद से हम जो है अपने मोबाइल को चार्ज या माउस या किसी भी कीबोर्ड और भी ऐसे ऐसे काम मैं बताऊंगा जिसकी मदद से जो है ओटीजी जो है बहुत ही कमाल किया है। इसे आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आपके मोबाइल की बैटरी फुल हो चुकी है या बैटरी लो हो चुकी है या स्टोरेज फुल हो चुकी है तो ये केबल आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। वीडियो को लास्ट तक देख रही है। अगर आप हमारे पास चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहली जो बात है उसके ऊपर हम बात करते हैं वो ये है कि अक्सर जो है हमारे फ़ोन की जो है बैटरी जो है लो हो जाती है तो हम जो है किसी को कॉल वगैरह करना चाहते हैं तो हम उसे कॉल वगैरह नहीं कर सकते। अक्सर तो हमें यूज़ करने पड़ते हैं ये बड़े बड़े पावर बैंक, लेकिन हम पावर बैंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जो है हम अपने दूसरे मोबाइल की मदद से जो है हम अपने किसी दोस्त के मोबाइल की मदद से जो है अपने फ़ोन को जो है हम चार्ज कर सकते हैं। हम जो है दूसरे मोबाइल के अंदर अटैच करेंगे और इस दूसरे मोबाइल को इसके अंदर हम जो है ओटीजी केबल के अंदर हम जो है उसे अटैच कर देंगे। उसकी मदद से जो है हमारा सेल जो है चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट बात है जिसकी मदद से जो है हम अपने दूसरे मोबाइल को जो है अपने दूसरे मोबाइल के साथ अटैच करके अपने मोबाइल को जो है चार्ज वगैरह भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है हम दूसरे मोबाइल के साथ अटैच करके आपको बताता हूँ तो जो है मेरा मोबाइल जो है चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं हमारा मेरा दूसरा मोबाइल जो है चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप थोड़ी सी स्क्रीन जो मैं आपको जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको जो है शो हो जाए कि मेरा मोबाइल जो है चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया है। ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो है चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दोस्तों अक्सर जो है हम अपने मोबाइल के ऊपर टाइप करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह तो हमारे मोबाइल का कीबोर्ड जो है बहुत ही छोटा होता है जिसकी मदद से जो है हम अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो है सही तरह जो है हम ऐड नहीं कर सकते, उसके ऊपर जो है कोई भी लिख नहीं सकते। तो इसकी मदद से जो है हम अपने मोबाइल को जो है ओटीजी के थ्रू जो है हम अपने कोई भी कीबोर्ड जो है हम अपने मोबाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। अक्सर जो है हमें जो है दूसरी टॉपिक की हम बात करते हैं, अक्सर जो है ऐसे फाइन हमें जो है ऑनलाइन भी मिल जाती हैं और किसी शॉप से भी मिल जाते हैं। तकरीबन 100-150 रुपीज़ में जो है हमें ये मिल जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है हम जो है गर्मियों में जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी वजह से हम जो है हवा वगैरह भी ले सकते हैं। अगर हमारा मोबाइल जो है गर्म हो जाता है तो हम इसकी वजह से अपने मोबाइल को जो है काफ़ी हद तक उसकी जो है हीट अप जो है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये है जिसकी वजह से जो है हम अपने मोबाइल को जो है ठंडा कर सकते हैं और जो है गर्मियों में जो है हम ये जो है पंखे की हवा काफ़ी हद तक अच्छी है जिसकी वजह से जो है हम अपने फेस को जो है काफ़ी हद तक ठंडा कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर ऐसी गेम्स होती हैं जो कि गेम कंट्रोलर जो है सपोर्ट करती हैं गेम कंट्रोलर को, तो जो है हम ओटीजी के ज़रिए जो है हम अपनी कोई भी जो गेम है जो है हम अपने मोबाइल के साथ अटैच करके तो हम किसी भी गेम को जो है आसानी से खेल सकते हैं और काफ़ी जो है ओटीजी का फ़ायदा है जो कि गेमिंग के लिए भी। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं माउस के बारे में। ओटीजी की मदद से जो है आप अपने किसी भी माउस को जो है उस माउस के साथ अटैच करके तो अगर आपके पास कोई ड्राइवर वगैरह आए तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप अपने माउस को ऑन करके तो आप अपने मोबाइल को भी इसकी मदद से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर जो है माउस शो हो रहा होगा, आप किसी भी चीज़ को जो है कंट्रोल कर सकते हैं और इस बटन की मदद से आप बैक कर सकते हैं। आपका मोबाइल जो है बैक हो जाएगा और जो है इसकी मदद से जो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आपके मोबाइल का टच वगैरह ख़राब हो चुका है तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। इसकी मदद से आप अपने मोबाइल के अंदर जो है माउस शो देख सकते हैं। हम मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको माउस शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपको मैं स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा जूम करके शो करवा देता हूँ कि आपको शो हो जाए कि स्क्रीन के ऊपर माउस है ना कि फेक है। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं माउस को हिलाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा माउस जो है काम कर रहा है। मेरे पास ब्लूटूथ माउस है जो कि इसके अंदर डिवाइस कनेक्टेड है और इसकी मदद से आपके पास अगर केबल वाला माउस है तो आप केबल वाला माउस भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ऑप्शन आपके लिए बहुत ही कमाल की रहेगी। अगर आप इसको ट्राई करें तो आप मुझे ज़रूर बताएँ कि ये ऑप्शन जो है आपके लिए कैसी रहें। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें
तो नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं साउंड कार्ड के बारे में। दोस्तों अगर आपके मोबाइल का जो है माइक वगैरह जो है ख़राब हो चुका है, तो आपका मोबाइल का माइक जो है नहीं काम करता, अगर आपके पास हेडफोन वगैरह हैं तो आप इसके अंदर जो है साउंड कार्ड जो है आपको बाजार में से आसानी से मिल जाएगा। तो इस साउंड कार्ड के अंदर जो है आप अपनी कोई भी जो है हेडफोन लगा के साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको टू ऑप्शन मिल जाती हैं, एक जो है साउंड रिकॉर्डिंग की है, एक जो है बूफरिंग की है, मतलब कि बेस की। अगर आपका मोबाइल का जो है साउंड कार्ड जो है ख़राब हो चुका है, तो आप इस साउंड कार्ड को जो है बाजार से बाय करके तो इसके अंदर जो है आप किसी भी टाइप का माइक वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं, माइक वगैरह को भी इसके अंदर जो है इसकी केबल जो है इसके अंदर लगा के तो आप अपने मोबाइल को भी इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं। और जो है इसके अंदर अगर हम बात करें वॉइस रिकॉर्डिंग की, तो इसके अंदर हम वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या किसी की कॉल वगैरह भी सुन सकते हैं। अगर हमारा जो है ऊपर वाला स्पीकर ख़राब है, तो हम उसकी मदद से जो है इस स्पीकर की मदद से, साउंड कार्ड की मदद से जो है OTG कनेक्ट करके हम अपने मोबाइल की जो है इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, ताकि इसकी मदद से जो है हमारा जो है साउंड जो है एक दूसरी पार्टी की मदद से जो है दूसरी एक फ्लैश की मदद से जो है हमारे कानों में तक आ जाएगा, और जो है हमें इस स्पीकर की नहीं ज़रूरत और ना ही हमें जो है माइक की ज़रूरत है। मतलब कि आपके मोबाइल का माइक और स्पीकर जो है ख़राब हो चुका है, OTG की मदद से आप जो है साउंड कार्ड कनेक्ट करके अपने मोबाइल के अंदर जो है वॉइस वगैरह सुन सकते हैं। अगर हम बात करें तीसरे फ़ायदे की, तो इसकी मदद से जो है अगर हमारे मोबाइल की जो है स्टोरेज जो है फुल हो चुकी है, तो इसकी मदद से हम अपने मोबाइल की जो है स्टोरेज जो है काफ़ी हद तक उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस OTG केबल को ओके करने के बाद हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है OTG केबल जो है शो हो जाएगी, और इसकी मदद से जो है हम अपनी जो फाइल्स वगैरह हम USB में जो है कन्वर्ट करके अपने मोबाइल के अंदर जो है काफ़ी हद तक जो है मेमोरी को जो है काफ़ी हद तक हम जो है महफूज कर सकते हैं। मतलब कि आपके मोबाइल की मेमोरी जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर आप मूवीज़ वगैरह की शौकीनी हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। इसकी मदद से जो है आप अपने मोबाइल के अंदर मूवीज़ वगैरह करके तो इस USB को कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल के अंदर जो है किसी भी टाइप की मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं, या कोई भी अपना सॉफ्टवेयर ऐसा जो है अपने मोबाइल से जो है USB के अंदर आप डाटा शेयर भी कर सकते हैं, और USB से डाटा अपने मोबाइल के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। इसकी मदद से जो है अपने मोबाइल की जो है मेमोरी वगैरह को भी काफ़ी हद तक आप जो है कम कर सकते हैं, और उसकी मदद से आपका मोबाइल जो है काफ़ी हद तक फास्टर भी हो जाएगा और यूज़ करने में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और वीडियो को देख के वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ आने वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इसी तरह के मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्पेशल वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।